एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने आप लोग को एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ाए थे। इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, 1 का 1 हो रहा है क्या 2 माइनस रूट अंडर 5, सेकेंड में हो रहा है 3 प्लस रूट अंडर 23 जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस रूट अंडर 23, और 3 नंबर है 1 का 3 2 रूट अंडर 7 बाई 7 रूट अंडर 7, और 4 नंबर है 1 बाई रूट अंडर 2, और 5 नंबर है 25। तो देखिए सॉल्यूशन, 1 नंबर को हम लोग सॉल्व करके बताते हैं कि देखिए इसमें हम लोग को ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो देखिए 2 माइनस रूट अंडर 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए इरेशनल नंबर इसलिए है कि देखिए 2 जो है रेशनल नंबर है और रूट अंडर 5 जो है इरेशनल नंबर है। तो देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब भी हम लोग डिफरेंस करते हैं तो वो जो वैल्यू आता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये हम लोग का 2 माइनस रूट अंडर 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं, 3 प्लस रूट अंडर 23 जो ब्रैकेट के अंदर है और माइनस रूट अंडर 23। तो अब देखिए ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 3 प्लस रूट अंडर 23 और माइनस रूट अंडर 23। तो देखिए दोनों एक जैसा है लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा। रूट अंडर 23 से में से हम लोग को क्या करना है, रूट अंडर 23 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों चला जाएगा तो हम लोग का क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 3 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे देखते हैं, 2 रूट अंडर 7 बाई 7 रूट अंडर 7। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर 7 और रूट अंडर 7 को हम लोग काट देते हैं तो 2 बाई 7 हो जाएगा, जो कि 2 बाई 7 जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर 1 बाई रूट अंडर 2, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल, देखिए रेशनल नंबर को अगर हम लोग इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 जो है, 1 को अगर हम लोग चाहेंगे तो 1 बाई 1 लिख सकते थे जो कि रेशनल नंबर है, लेकिन रूट अंडर 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 2 इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 2 पाई इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग जानते हैं देखिए 2 जो है रेशनल नंबर है लेकिन 5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए 2 पाई जो होगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, 1 नंबर दिया है, देखिए अंडर, देखिए ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट अंडर 3 दिया है और इनटू, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इनटू का साइन चिपा रहता है, और देखिए ब्रैकेट 2 प्लस रूट अंडर 2 दिया है। ठीक है, सेकेंड नंबर में दिया है 3 प्लस रूट अंडर 3 ब्रैकेट के अंदर और इनटू 3 माइनस रूट अंडर 3। ठीक है, थर्ड नंबर में दिया है रूट, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर किया है। ठीक है, फोर नंबर में दिया है ब्रैकेट के अंदर रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 और इंटू छिपा रहता है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2। तो ठीक है सॉल्यूशन, ठीक है 1 नंबर को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट अंडर 3 और इंटू 2 प्लस रूट अंडर 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पहले हम लोग 3 से इस टोटल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम लोग प्लस का साइन देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और उसके बाद रूट अंडर 3 से इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर
करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर में। तो देखिए 3 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट अंडर 2 और देखिए प्लस 3 और उसके बाद ब्रैकेट में 2 प्लस रूट अंडर 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा क्योंकि प्लस 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 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 में रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट अंडर 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 में रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन तो होगा ही क्योंकि हम लोग का प्लस प्लस तो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे भी देख लीजिए प्लस में है और ये भी प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में होगा। तो 2 में रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा और देखिए यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा। रूट अंडर 3 को रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 6 हो जाएगा। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 6 प्लस रूट अंडर 3, देखिए 6 प्लस 3 रूट अंडर 2 और प्लस 2 रूट अंडर 3 और प्लस रूट अंडर 6। यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट अंडर 2 में है और ये रूट अंडर 3 में है, तो बस हम लोग का आंसर यहीं पे हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस रूट अंडर 3 है और इंटू 2, देखिए यहाँ पे 3 माइनस रूट अंडर 3 है। अगर हम लोग चाहेंगे तो इससे भी बना सकते हैं और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले से इसको बना देते हैं और हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को इस आइडेंटिटी से बना देंगे। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए 3 प्लस रूट अंडर 3 और 3 माइनस रूट अंडर 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट अंडर 3 से और देखिए उसके बाद प्लस रूट अंडर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट अंडर 3 से। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 जा क्या हो जाएगा 9 और प्लस माइनस माइनस 3 में रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा। 3 को रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट अंडर 9 आता है जिसका वैल्यू 3 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक प्लस में रूट अंडर, देखिए माइनस 3 रूट अंडर 3 है, एक प्लस में है 3 रूट अंडर 3, तो ये दोनों कट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 हो गया, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर दिया है। तो हम लोग जानते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू a के जगह पे यहाँ पे रूट अंडर 5 और b के जगह पे हम लोग रखे हैं रूट अंडर 2 को। तो देखिए a स्क्वायर करना है तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 और a के जगह पे हम लोग रूट अंडर 5 को रखेंगे और b के जगह पे रूट अंडर 2 को रखेंगे और b स्क्वायर है तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाता है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट हम लोग का 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया और 5 2 जा 10 हो जाएगा तो रूट अंडर 10 हो जाएगा और रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाता है स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा क्योंकि देखिए रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 करते हैं तो रूट अंडर 4 होता है, लेकिन रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। तो हम लोग 2 लिख देंगे तो 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा प्लस 2 रूट अंडर 10 हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 1 का मतलब 2 नंबर क्वेश्चन का 4 पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया है रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2, ठीक है, इंटू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ठीक है। तो यहाँ पे ए ये है और बी, देखिए ए का जगह पे हम लोग रूट अंडर 5 को रखते हैं और बी के जगह पे रूट अंडर 2 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को मालूम है कि ए माइनस बी है और इंटू ए प्लस बी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए माइनस बी
into a plus b is equal to a square minus b square, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर हम लोग का 25, रूट अंडर 25 होता है जिसका वैल्यू 5 आ जाएगा, और रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट रूट अंडर 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हम लोग 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए।